कोमल बहन का इंटरव्यू हो गया हमारी का। और कोमल बहन कैसा रहा इंटरव्यू? सेलेक्ट हो गया? हाँ। अरे वाह, तो टीचर बन गई हमारी कोमल बहन, मुबारक हो। पहले से ही हूँ। पहले कुछ आता नहीं था ना, अब सीखेगी और सिखाएगी। तो भैया स्वागत है आप सबरा का हमारे नया व्लॉग में। ओके, टेस्ट यार चुक कर रहा था। तो वेलकम बैक गाइस दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज चलना है कोमल बहन के संग गुड़गांव में, सर उन्हें कुछ इंटरव्यू देना है मेरे ख्याल से टीचिंग लाइन के अंदर दोबारा से। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट, ना देर ना करते हुए, लेट हो रही है वो, लेट्स गो। का इंटरव्यू हो गया हमारी का। और कोमल बहन कैसा रहा इंटरव्यू? सेलेक्ट हो गया? अरे वाह, तो टीचर बन गई हमारी कोमल बहन, मुबारक हो। पहले से ही हूं। पहले कुछ आता नहीं था ना, अब सीखेगी और सिखाएगी। पहले से भी आता था, पहले भी जॉब की है मैंने टीचर की, और अब फिर टीचर की ही जॉब मिली है। जो चाहता था वो नहीं मिली। चाहता क्या था? ब्यूटीशियन। कोई नहीं, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ से मोटी की स्माइल के साथ। खिला खिलाएगी अब? कुछ नहीं, घर जा रहे हैं हम भाई। तो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। ठीक है, हो गया इसका इंटरव्यू मोटी का, लेट्स गो। तो भाई कोमल बहन रुक गई है यहाँ पे पत्थर लेने के लिए, फिश पॉट के लिए अपने। और ये ले लिए, व्हाइट कलर में चूज़ किए हैं। ठीक है, अब लेके फटाफट निकलते हैं। मेरे को साली टी ये देखो, बाइक चला के बालों की हालत देखो, टी शर्ट देख रहे हो, पूरे ब्लैक से साला ब्राउन हो गई है। ठीक है, तो फटाफट पहुँचते हैं यहाँ से निकल के यार घर पे। तो भाई कोमल का इंटरव्यू ख़त्म हो गया, और जस्ट अभी मैं घर पहुँचा हूँ और नहा के निकला हूँ बस अभी। यार बाल इतने रफ हो गए थे मिट्टी के अंदर गुड़गांव की साइड में, भाई पूछो मत। आँखों में मिट्टी, मुँह में मिट्टी, सर में मिट्टी, और जो ब्लैक टी शर्ट थी वो भी ब्राउन हो गई थी। ठीक है, तो अभी जब घर पहुंचा हूँ, नहा के निकला हूँ, अब लंच के लिए चलते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा है। मम्मी ने बनाया हुआ है मीट गोभी, गोभी के अंदर मटन डाला हुआ है मम्मी ने। ठीक है, और गर्म हो रहा फटाफट फटाफट, तो गर्म हो जाए उसके बाद लंच करते हैं। भाई भूख लगी बड़े भयंकर। तो भाई लंच आ चुका है, मटन गोभी मिक्स करके बनाया हुआ मम्मी ने, और रोटी। और मम्मी ये रही गेम खेल रही है बैठ के। ठीक है, और साथ में चल रही है भाई मूवी हेल बॉय 3। तो एंजॉय करते हैं शो को खाने के साथ, और मिलते हैं बाद में। तो भाई विशाल भाई के साथ आया हूँ उसे स्कूटी सिखाने के लिए, और विशाल भाई स्कूटी का ट्रायल कर रहे हैं अपनी का। ठीक है, अभी यहीं पे सेक्टर 7 में, फिर धीरे धीरे चलते सेक्टर 4 में। और आज यार 15-20 दिन हो गए हैं, तो आज प्लान मैं कर रहा हूँ कि वॉलीबॉल खेलने चले जाते हैं। कोमल बहन के इंटरव्यू से जल्दी फ्री हो गए, इसलिए अगर टाइम लगता तो पॉसिबल नहीं था। तो अब प्लान करते हैं, निकलते हैं यहाँ से यार फटाफट से। ठीक है, विशाल भाई को स्कूटी सिखा के फिर देखते हैं। ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद, यानी कि जब मेरा पैर मुड़ा था तब से मैं आज जाके बॉल छूँगा। ठीक है, तो वहीं मिलते हैं ग्राउंड। लो सीख गए विशाल भाई भी। हाँ ऐसे धीरे धीरे चला। ले जा सीधा आराम से, बिना डरे ले जा। चलो भाई फाइनली विशाल भी स्कूटी सीख रहा है। भाई मैं कृषि विहार में आ चुका हूँ, और देखो प्लेयर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। भाई टैपिंग चालू हो गई है। ये
ये देखो नट लग गया, नॉकिंग चल रही है पूरी पूरी। और बस मैं भी चेंज करके निकल रहा हूँ ग्राउंड के अंदर फिर खेलने के लिए। तो भाई खेल के आ चुका हूँ और जैसा कि देख रहे हो माथे पे पसीना लगा हुआ है, ठीक है। बहुत टाइम हमारी बॉडी ने इतना मूव किया है और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ खेलने के बाद में। पूरा दिन ऐसे ही हो गया, पूरा दिन भागते भागते पहले कोमल को लेके गए, फिर विशाल भाई के साथ गए और फिर खेलने निकल गए, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अब नहाने के लिए और उसके बाद मैं चाय पीऊँगा गर्मा गर्म, लेकिन साथ साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, ओके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, देखते रहिए वेल ब्लॉगर, बाय बाय।